मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? हमने अपनी फैमिली को भेज दिया नए घर में, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है घर का तो वो मैं मिस नहीं करना चाहती। पूरा ऐसे एल शेप ना फेंस करा के एक अच्छा सा गार्डन बनाएंगे। पहले हमारा प्लान कुछ और था बट अब कुछ हो रहा है। Hey, what is up guys? कैसे हो आप लोग? हाँ जी कैसे हो? तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि भाई हमने नए घर में शिफ्ट कर लिया है। Yes, हमने अपनी फैमिली को भेज दिया है नए घर में। बहुत दिनों से काम चल रहा था, बहुत काम लगे हुए थे, आज थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। तो जा रहे हैं जिम सुबह सुबह। तो वर्कआउट करने जा रहा था वैसे काफी सुबह सुबह जा रहे हैं बट सुविधा मैं थोड़ा सेटअप करा रही थी घर वालों को। अभी दो चार चीजें रह गई है फ्लैट में, जब वो डन हो जाएगी तो आपको एक अच्छा सा होम टूर भी देंगे प्रॉपर, है ना? ध्रुव तो कह रहा था कि दे देते हैं होम टूर बट मैंने बोला नहीं यार, जो थोड़ी बहुत चीजें ना वो एक एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है घर का तो वो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, तो वो मैं जब हो जाएगा तभी दिखाऊंगी। सो या बाकी आपको जैसे ही पता है कि सुविधा की एमए भी अब फिनिश हो गई है तो अभी आगे कभी हम प्लान कर रहे हैं कि इसको क्या करना है आगे। और मेरा रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और मेरी कॉन्वोकेशन भी है अगस्त में। बाकी बारी बारी शब्द यूज कर रही है, इंग्लिश के समझ आ नहीं रहा बोल के रही है। बाकी अभी हम चलते हैं वर्कआउट करने। बाकी आप मेरे को देख सकते हो, मेरी बॉडी में आपको काफी इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा। बाकी सब ठीक है लेकिन आज तेरे मुंह पे एक वर्ड चढ़ा हुआ है, बाकी बाकी बाकी। बहुत सारी चीजें थी एक्चुअली, हम एक पूरे प्रॉपर घर को शिफ्ट करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करना बहुत, आपको पता है बहुत मेहनत लगती है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है, तो बहुत टाइम लगा। बाकी और बीच में मेरे को एक बार घर भी जाना पड़ा। आपको पता है? नहीं, इनको पता ही है। ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में हमने बताया था कि ध्रुव के डैड का ऑपरेशन, वो आई सर्जरी था, वो कंप्लीट हो गया, अच्छे से हो गया, सब हो गया, लेकिन अभी चेकअप मतलब वीकली चेकअप अभी भी चल रहे हैं तो इसको दोबारा जाना पड़ेगा एक बार। तो बाकी चलते हैं जिम। मैंने आज शोल्डर ट्रेन करने हैं एंड अभी मैं दो एक्सरसाइज कर चुका हूं, तीसरी कर रहा हूं मैं बार डिप्स। ये एक्सरसाइज आप चाहे आप चेस्ट कर रहे हो, चाहे शोल्डर कर रहे हो या ट्राइसेप कर रहे हो, इसको जरूर करना है। आप देख सकते हो मेरे शोल्डर जो इतने स्ट्रॉन्ग है ना, वो इस एक्सरसाइज की वजह से है। मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ ये, तो जितना आप बॉडी वेट वर्कआउट, ऐसा मत सोचो कि बॉडी वेट वर्कआउट से कुछ फ़ायदा नहीं होता, बहुत फ़ायदा होता है अगर आप अच्छे से करोगे, राइट? सो ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। तो अपनी बॉडी की जो करंट जो मेरी फिजिक है, मैं उसकी अपडेट देना चाहता था, चेक करो ये मेरी करंट फिजिक है। एंड कमेंट करके बताओ अगर आपको कुछ इसमें डिफरेंस दिख रहा है पहले वाली बॉडी में और इसमें। मुझे तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा दिख रहा है पर्सनली। दिख रहा है? हाँ बहुत ज्यादा। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं सच बोल रही मैं, लेकिन वैसे ही हूँ वो ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरा वेट मेंटेन है। हाँ मेंटेन है। हमने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया और मेरा छोटा सा शूट भी था वो भी ध्रुव ने कर दिया, सो आई हैव टू पोस्ट सम पिक्चर्स ऑन माय अदर अकाउंट। और दूसरे अकाउंट पे तो मैं डेली डालती हूँ, तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो आप कर सकते हो और ध्रुव को भी कर सकते हो। और आज हमारा प्लान है मूवी देखने का, आई थिंक एक साल बाद डेढ़ साल बाद हम मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत देर बाद जा रहे हैं। बीच में गए थे एक मूवी देखने, वो आधी छोड़ के आ गए थे, मुझे याद नहीं कौन सी थी। सो आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, आई होप मूवी अच्छी हो, हमें मजा आए और हम बीच में उठ के ना जाएं। So, 12 बज चुके हैं और 1:30 बजे तक पहुंच रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक रास्ते में काम भी करना है तो लेट हो जाएगा। हाँ। तो मिलते हैं आपको मूवी के बाद, मिलते हैं। सर अभी हम मूवी देख के वापस आए हैं, कुछ खास मूवी लगी नहीं ऐसी। मूवी में हम सो गए थे, मैं तो साथ वाले बंदे भी सो गए थे, इतनी बेकार। शमशेरा देख के आए थे हम। ये कारपेट हमने लिया था अपने फ्लैट के लिए, याद है? एक साल पहले। सो ये लिया था लेकिन ये ऐसे ही रखा हुआ था, ये यूज नहीं हुआ था, अभी तो ये लेके जा रहे हैं सुविधा के फ्लैट में, वहां पे हम इसको यूज कर लेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा बढ़िया आइडिया है। सो और भी सामान है लेकिन। हाँ बाकी सुविधा बोल रहे कि परसों एक प्रॉपर होम टूर भी आएगा, हम सोच रहे हैं कि परसों ही कर दें। जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें हैं वो तो हम आपको बाद के ब्लॉग्स में दिखा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम घर हो चुका है तो आई थिंक परसों हम दिखाई देंगे। सो अभी चलते हैं इसको लेके, उठा रहे बाकी भी सामान जितना भी है। तो आज का ब्रेकफास्ट मेरा ये है, इसमें वे प्रोटीन है, वे टबिक्स है एंड बनाना एंड कैशूज है। सुविधा अपना ब्रेकफास्ट वहाँ पे रेडी कर रही है। काफी दिन से हालात वैसे ही चल रहे हैं आपको पता है। अभी हम निकल चुके हैं थोड़ा जो बचा कुचा सामान है वो लेने के लिए, बीच में से जितना टाइम मिलते हैं उतने में छोटे छोटे काम कर लेते हैं, दो चार चीजें रह गई हैं बस वो भी कंप्लीट कर देनी है। बाकी दूसरी बात ये ना कि जब शिफ्ट, मतलब जब आप नई चीजें भी ले रहे होते हो, पुरानी आपको देखना पड़ता है कि नई चीज ये चाहिए पुरानी चीज ये चाहिए, तो सब छांटना पड़ता है ना, उसमें बहुत दिमाग पक भी जाता है, तो कुछ चीजें हमेशा रह जाती है एंड में। घर आ गए वापस और जो सामान चाहिए था वो ले आए हैं, कुछ सामान तो हमको मिला ही नहीं जो चाहिए था तो उसके लिए हम ऑर्डर करके आ गए। हाँ। वो आ जाएगा, एक भैया आ रहे हैं छत पे जो हमने बनाना है, आपको पता है सेटअप बनाना है प्रॉपर, आपको तो पता ही है कि वी आर वेरी फोंड ऑफ गार्डन, सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी कुछ करेंगे ही, बट फिलहाल के लिए हम फेंसिंग पे काम करेंगे और हम मैडो के टॉयज लेके आए हैं, मैडो की फीड लेके आए हैं,
तो अभी ये पागल हो रखी है पूरी टॉय के लिए। इतना एरिया थी यार दीवार ठीक है देखते लाना पर सेम इधर जितनी जितनी दीवार है कितनी फुट होनी है देख लो चेक करके पूरा ऐसे एल शेप ना यहाँ पे पूरा प्रॉपर फेंस करा के एक अच्छा सा गार्डन बनाएंगे। पहले हमारा प्लान कुछ और था बट अब कुछ हो रहा है ना। ये ढाई है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आप नए वाले घर में हो और यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल नहीं लगाया है। आई वॉन्टेड टू कीप द मतलब हॉल वो मैं कल आपको बता दूंगी सब कुछ कि क्या सीन है। मेरे को सब बहुत मिनिमल रखना था आपको पता ही है तो हमने डाइनिंग टेबल नहीं लगाया। हम ऐसे किचन के सामने नीचे बैठ के खाना खाते हैं और आज बने हैं ब्लैक चना एंड राइस काले छोले और चावल। दही नहीं आया मम्मी तो मम्मी दही ला रही है और हम खाना इन्जॉय करते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो रही हो क्या? हाँ सो रही हो एक्टिंग कर रही है। अभी तो जाग रही थी तूने बोला कि ऐसे व्लॉग में ऐसे एंड करना है ऐसे बताइयो कि मैं सो रही हूँ और तू वीडियो बना रही है। मैं कैमरा के लिए ऐसे थोड़ा एक्टिंग करके दिखा रही हूँ मैं सो रही हूँ देख थोड़ा थोड़ा पीकबू मिल रहा है घर का लेट कर मैं दिखाना चाहता हूँ इसी वीडियो पर बट ये दिखाने दे रही बहुत शानी है कि अलग से वीडियो बनाऊंगी अलग से उसके मेरे पास पैसे आएंगे सज धज के ऐसे नहीं ओके मजे से घर के साथ साथ बंदा भी तैयार होना चाहिए जिसने लिया है राइट। सो गाइस बाकी आपको कल अंदर के फ्लैट की वीडियो आएगी उसके बाद छत पे जो भी काम होगा उसकी वीडियो बताएंगे आपको दिखाएंगे सब एंड आई होप आपको दोनों चीजें बहुत अच्छी लगेंगी और हम बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सोचते हैं कि आप भी जो हमें पसंद करते हैं आप भी हमारे साथ उतने ही खुश हो। सब हमारा ये सब देख के जो हमने घर बनाया कैसा बनाया कल आपको पता लग जाएगा कैसा बने तो आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं तो ब्लॉग में कमेंट जरूर किया करो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन मेरा कसा आ रही हो सो जाएं। सो जाएं।